सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनसी यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम लेके आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कनाडा के एक ऐसे प्रोग्राम में जिसमें कि कनाडा गवर्नमेंट जो है आपको पे करने वाली है, तो इसके बारे में आज का पूरा वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने जो हमारा वीडियो था कैलेबेरिया के ऊपर उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, जिसकी वजह से जो है हमारा चैनल थोड़ा ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से जो है हमें भी काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है। उसके बाद हमने और एक वीडियो बनाया जिसमें हमने अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में बताए जिसमें कि आप जो हैं फाइनेंस ले सकते हैं वहाँ की गवर्नमेंट से जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, और वहाँ पर जो है आपको वो गवर्नमेंट फिर हेल्प करेंगे वहाँ पर सेटल होने के लिए और आपको जो है फाइनेंशियल एड मिलेगा। तो काफ़ी सारे लोग ये देख के खुश हो गए उसमें कि कनाडा का नाम भी है उसमें, तो कनाडा का आखिर कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि उन्हें फाइनेंस मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप सब लोगों को यहाँ पे जान के अच्छा लगेगा कि कनाडा की गवर्नमेंट जो है आपको 20,000 कैनेडियन डॉलर दे सकती है अगर आप जो है इस प्रोग्राम में फिट बैठते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि 20,000 कैनेडियन डॉलर जो है गवर्नमेंट आपको दे सकती है, लेकिन इनका देने का तरीका अलग है। ये इटली की तरह नहीं है कि ये आपको जो है 33,000 डॉलर जो है आपको इंस्टॉलमेंट में दे दे। कनाडा में थोड़ा सा अलग है क्योंकि कनाडा में लाखों लोग अप्लाई करते हैं और कुछ ही लोग जो है सिलेक्ट होते हैं, तो इनको पता है कि इन्हें फ़ंड देने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर ऐसे भी बोले कि हम अगर आपको फ्रीली इन्वाइट कर रहे हैं देन ऑल्सो काफ़ी सारे लोग आके स्टे कर जाएंगे, क्योंकि कनाडा हर कोई जाना चाहता है। इवन मैं अगर अपने क्लाइंट बेस की बात करूं देन 99% कैंडिडेट्स जो है कनाडा जाने के लिए अभी भी तैयार हैं। हाँ, कुछ लोगों को जो है ठंडी से प्रॉब्लम है तो वो लोग शायद ना जाए, अदरवाइज बाकी सारे लोग जो है कनाडा जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए कनाडा गवर्नमेंट को भी ये चीज़ पता है कि बाहर के देशों में जो है कनाडा का काफ़ी ज़्यादा नाम है और काफ़ी सारे लोग आना चाहते हैं, इसलिए जो है वो इटली की तरह लोगों को नहीं बुला रहे हैं। या फिर इटली का और एक प्रोग्राम है जिसमें वो लोग फंड दे रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो ऐसा प्रोग्राम तो नहीं है। बट यहाँ पर आपको जो है मिल सकता है 20,000 कैनेडियन डॉलर, लेकिन उसके लिए जो है आपको वहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा तभी जाके जो है आपको ये पैसे मिल सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम है ग्रेजुएट रिटेंशन प्रोग्राम। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो है पढ़ाई इन्वॉल्व होगी और ट्वेल्थ के बाद की पढ़ाई इन्वॉल्व होगी, क्योंकि इसमें नाम जो है ग्रेजुएट रिटेंशन प्रोग्राम है। जी हाँ, अगर आपने ट्वेल्थ पास कर लिया है और उसके बाद आप जो है सच के स्वान जाना चाहते हैं और आपको जो है वहाँ पर फाइनेंस चाहिए, देन आप जो है इस प्रोग्राम का मदद ले सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि अगर आप वहाँ पे छोटा मोटा सा कोर्स ले लेते हैं एक साल या फिर दो साल वाला कोर्स, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता होगा कि कनाडा में बैचलर डिग्री जो है वो 4 इयर्स का होता है, तो उस हिसाब से अगर आप सोचें देन आपको जो है वहाँ पे 1 ईयर 2 ईयर का अगर आप कोर्स ले लें और आप चाहें कि भाई हमको तो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट तो मिल रहा है तो हमें अभी 20,000 कैनेडियन डॉलर दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो है आपको प्रोग्राम्स जो है वो कुछ अलग तरीके से बना है। अगर आप एक साल का कोर्स लेते हैं देन 3,000 से स्टार्ट होता है जो भी वहाँ पे ग्रांट मिल रहा है वो, और उसके बाद जो है जैसे जैसे आपके इयर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये बढ़ता जाता है और मैक्सिमम 4 इयर्स के लिए जो है ये 20,000 कैनेडियन डॉलर आपको मिलता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग कि सचिवस्थान में रहते हैं या फिर जो लोग सचिवस्थान में रहना चाहते हैं। मतलब अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में गए हैं वहाँ पे और वहाँ पे फिर आप जो है स्टे करना चाहते हैं देन आपको जो है गवर्नमेंट वो पैसे देगी, मतलब एजुकेशन का टाइम भी नहीं देगी। उसके बाद जब आप पास आउट हो जाएंगे उसके बाद जो है आप जब सचिवस्थान में रहने के लिए एप्लीकेशन करेंगे देन आपको जो है गवर्नमेंट वहाँ पर ये पैसे देगी। हाथ में ये पैसे आपको कभी नहीं आएंगे क्योंकि ये जो पैसे हैं आपको टैक्स बेनिफिट के तौर से मिलेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि बाहर के देशों में जो है टैक्स काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है और डायरेक्टली आपके सैलरी से वगैरह से जो है कट जाता है, फिर आपको जो है टैक्स फाइलिंग वगैरह करनी पड़ती है ताकि आपको जो है जो बेनिफिट्स है वो आपको मिल सके। अगर आप जो है इस प्रोग्राम के जो इंस्टीट्यूट है सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट या फिर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट जो बोल सकते हैं वहीं से आपने स्टडी किया है देन आप जो है इस प्रोग्राम के एलिजिबल हो सकते हैं। वैसे जनरली जो यहाँ पे सिलेक्टेड या फिर अप्रूव्ड बोल सकते हैं अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट
वो जैसे ही कैंडिडेट को लेते हैं देन वो डायरेक्टली ही अप्लाई कर देते हैं, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप अपने कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से अगर आप बात करेंगे देन वो लोग जो है आपको डायरेक्टली अप्लाई करवा देंगे उस प्रोग्राम में, और जैसे ही आप वहाँ से पास आउट हो जाते हैं देन आप जो है अपने टैक्स बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही आप अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे देन आपको जो है वहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो कि सचकेस्वान में रहना चाहते हैं, कनाडा के बाकी हिस्सों में नहीं। तो यहाँ पे जो है आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप जो है सचकेस्वान में रहना चाहते हैं, और उसके बाद जो है आपको ये टैक्स बेनिफिट ईयर बाय ईयर मिलता जाएगा। और जितना आपको कहा गया है कि आपको जो है इतना अमाउंट मिलेगा, अगर आपने 1 ईयर का किया है देन 3,000, अगर आपने 4 ईयर का किया है देन 20,000। ये जो टैक्स बेनिफिट है आपको धीरे धीरे आपके टैक्स में ऐड होते जाएगा, और जिसकी वजह से जो है आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा और आप जो है फिर कनाडा में अपना स्टे एंजॉय कर सकते हैं विथ लेस टैक्स। तो ये एक प्रोग्राम है जो कि कनाडा ने लॉन्च किया, जिसमें कि वो कहने के लिए ये कहा जा सकता है कि कनाडा की गवर्नमेंट जो है आपको 20,000 कैनेडियन डॉलर दे रही है अगर आप जो है सचकेस्वान में रहना चाहते हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर आपने जो है सचकेस्वान छोड़ दिया या फिर अगर आप सचकेस्वान में नहीं रहते, क्योंकि ये पैसे जैसे कि कहा गया कि टैक्स में डिडक्ट हो जाएंगे। तो आप जो सोच सकते हैं कि 20,000 कैनेडियन डॉलर निकालने के लिए आपको कितना टाइम रहना पड़ेगा, तो इस हिसाब से जो है आप प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है जो कि स्टूडेंट्स वहाँ पे जाना चाहते हैं और अपना एजुकेशन करना चाहते हैं, और ये जो है मास्टर डिग्री या फिर PhD के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के लिए है, मतलब अगर आप जो है 12th के बाद एक साल का डिप्लोमा डिग्री या फिर कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं 12th के बाद जन आपको जो है यहाँ पे ये प्रोग्राम के लिए आप एनरोल हो सकते हैं, और उसके बाद जो है आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट आपको पैसे मिल सकते हैं लेकिन डायरेक्टली इन हैंड नहीं, आपका जो टैक्स है वो बच जाएगा। वो भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको जो है टैक्स देना नहीं पड़ेगा या फिर कम टैक्स देना पड़ेगा, तो वो भी एक बेनिफिट होता है। तो काफ़ी सारे लोग उसका भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो वो लोग जो है इस प्रोग्राम का फ़ायदा ले सकते हैं। आपके लिए फिर से मैं बता दूँ कि इस प्रोग्राम का नाम है ग्रेजुएट रिटेंशन प्रोग्राम, तो जो लोग भी इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो वो लोग जो है इसमें एनरोल हो सकते हैं। वैसे मैं आप सबको यहाँ पे बता दूँ कि हम जो है एक और वीडियो लेके आने वाले हैं USA के ऊपर, क्योंकि USA पे भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड था लोगों का कि US में ऐसा कौन सा प्रोग्राम चल रहा है जो कि हमें नहीं पता है, जिसमें कि गवर्नमेंट हमें फ़ंड करेगी वहाँ स्टे करने के लिए। तो हम जो है उस पर भी एक वीडियो जल्दी ही लेके आ जाएंगे, तो इसलिए जो है आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जो है ऐसे वीडियो मिस ना हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। सो दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।